तो देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको गुणा और भाग की बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, और उन वीडियोस पर आप व्यूज देखेंगे तो मिलियन में व्यूज गए हुए हैं। ठीक है, तो उन्हीं वीडियोस में आप लोगों ने कमेंट किया है कि सर हमें गुणा भाग और सीखना है, और डिफरेंट डिफरेंट हमें गुणा भाग सीखना है, हमें बिल्कुल शुरुआत से सीखना है। तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग प्रकार के कमेंट किए हुए हैं, तो सभी की कमेंट को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए गुणा भाग करना बिल्कुल शुरुआत से, यानी बिल्कुल ही जीरो लेवल से। आज की इस वीडियो में हम गुणा भाग करना सीखेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए, मैंने पहले एक एक अंक का गुणा आपके लिए लिया है, फिर दो अंक और एक अंक का गुणा कैसे करेंगे, फिर दो दो अंक का गुणा कैसे करेंगे, फिर तीन अंक का गुणा कैसे करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको और कोई नहीं बताएगा, यहां पर मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताऊंगा, हर चीज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो यहां पर गुणा है, गुणा के बाद में फिर मैंने यहां पर भाग के भी बहुत सारे सवाल लिए हैं, तो आपको बहुत ही डिटेल में मैं समझाने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम का है, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखिए, तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम सीखेंगे गुणा। ठीक है, तो गुणा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको 2 से लेकर 10 तक पहाड़े याद होना ही चाहिए। अगर आपको 2 से लेकर 10 तक पहाड़े याद नहीं है तो आप गुणा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप गुणा नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको पहाड़े याद नहीं हो रहे हैं, पहाड़े याद करने में कोई भी समस्या आ रही है, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को देख लीजिए। जिंदगी में कभी भी आप पहाड़ों को नहीं भूलेंगे, इस तरीके से मैंने उसमें समझाया हुआ है। ठीक है, तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा अगर आपको पहाड़े याद नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम इसको यहां पर शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल जो है यहां पर है 4 × 5, मतलब हमें 4 का गुणा करना है 5 में। ठीक है, तो हम यहां पर लिख लेते हैं भैया 4 × 5। ठीक है, 4 का गुणा 5 में करना है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि 5 का पहाड़ा हमें पढ़ना है 4 बार। ठीक है, अब हमें पहाड़े याद नहीं होंगे तो कैसे करेंगे, पहाड़े याद तो होना जरूरी है ना, तो 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं, 5 × 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20। तो 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर कितना आ गया, 20 आ गया, और यही 20 क्या है, हमारा आंसर हो गया। तो जब भी एक एक अंक का गुणा करना हो तो इस प्रकार से करना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 2 × 8। ठीक है, अब 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है, तो चलिए पढ़ लेते हैं, 8 × 8, 8 × 2 = 16। तो यहां पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। या फिर एक और सवाल ले लेते हैं, मान लीजिए हम 5 × 9 ले लेते हैं, 9 का पहाड़ा हमें 5 बार पढ़ना है, तो 9 × 5 = 45 होते हैं, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा 45। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक एक अंकों का गुणा करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद में हम चलते हैं कि जब हमें एक अंक से 2 अंकों में गुणा करना होगा तब हम कैसे करेंगे। तो हमारा दूसरा जो सवाल है ये है आपके सामने 32, यानी कि 32, इसमें हमें गुणा करना है 6 का। तो कैसे करेंगे, 6 का पहाड़ा हमें 32 बार पढ़ना है, तो भैया इतनी बार तो पहाड़ा ही नहीं होता, तो हम कैसे करेंगे। तो पहले हम 6 का गुणा 2 में करेंगे, ठीक है, फिर हम 6 का गुणा 3 में करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको कर लेते हैं। तो 6 का पहाड़ा पहले 2 बार पढ़ो, तो 6 × 6 = 12। ठीक है, तो 12 हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से। तो 12 का जो 2 है, इधर वाला जो अंक है उसको तो हम लिख लेंगे यहां पर, और जो 1 है ये आ जाएगा हमारा हासिल में। ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलिए अब हमें 6 का पहाड़ा पढ़ना है 3 बार, तो चलिए पढ़िए, 6 × 6 = 12, 6 × 3 = 18, 18 और 1 कितना हो जाएगा, 19, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 19, तो ये कितना हो गया, 192, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए कितना सिंपल था। चलिए इस तरह का एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे समझ में आए। अब मान लीजिए 45 का गुणा हमें करना है, मान लीजिए 7 से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले 7 का गुणा करेंगे 5 में, कितना आएगा, 7 × 5 = 35। तो 35 हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो 35 का 5 जो है वो तो हम लिख देंगे यहां पर, और 3 जो है वो आ जाएगा हमारा हासिल। ठीक है, अब 5 में हो गया, अब 7 का गुणा हमें करना है 4 में, तो 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए, तो 7 × 4 = 28। ठीक है, और 3 है, 28 और 3 कितने हो जाएंगे, 29 × 30 = 31, तो यहां पर हम लिख देंगे 31, तो 315 जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना सिंपल है। ठीक है, तो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इससे सिंपल तो आपको कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है, तो यहां पर आप समझते चलिएगा। ठीक है, अब तीसरे सवाल में हम सीखते हैं कि भैया यहां पर हमें दोनों साइड 2 अंक हैं,
43 गुणा 32, ठीक है। अब इधर भी दो अंक है, इधर भी दो अंक है, अब कैसे होगा भैया, 32 का पहाड़ा तो याद नहीं है, मैंने आपसे क्या बोला है 2 से 10 तक याद होंगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर तो 32 की बात हो रही है, तो 32 से कैसे करेंगे, तो चलिए इसकी भी एक बहुत ही शानदार तरीका है, कैसे करना है। सबसे पहले ये जो 2 है ना, इस 2 का इस पूरे के साथ करेंगे, ठीक है। जब 2 का हो जाएगा तो फिर हम 3 का भी इस पूरे के साथ कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं, 2 का पहाड़ा पढ़िए 3 बार, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीया 6, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा कितना आया 6, ठीक है। अब 3 में हो गया, अब 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीया 6, 2 चौके 8, तो यहां पर आ गया 8, ठीक है, क्लियर। अब एक अंक का क्लियर हो गया, मतलब 2 का हमने कर दिया, तो हमें क्या करना है, यहां पर एक अंक के नीचे क्रॉस लगा देना है, ठीक है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब 2 का हो चुका, अब आते हैं 3 पर। अब 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, ठीक है। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर कितना आया 9, तो 9 को हम लिखेंगे इसके नीचे यहां पर, क्लियर। चलिए इसके बाद में अब 3 का हमें करना है 4 में, मतलब 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, तो यहां पर हम लिख देंगे 12, ठीक है। अब यहां पर हासिल नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि आगे कोई संख्या ही नहीं है, हासिल हम किस में लगाएंगे, ठीक है, तो डायरेक्ट हमने लिख दिया 12। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे, तो यहां पर 6 है तो 6 आ जाएगा, यहां पर 9 और 8 कितने हो जाएंगे, तो यहां पर 9 और 8 हो जाएंगे 17, तो 17 की हो जाएगी 7, हासिल आ जाएगा 1, 2 और 1 हो जाएगा 3, तो ये हो गया हमारा 3, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा 1, तो 1376 जो है ये हमारा आंसर निकलकर आ गया। कितना सिंपल तरीके से आप समझ गए, चलिए एक और कर लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए, ठीक है। मैं आपको हर चीज को बारीकी से इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। अब मान लीजिए आपको यहां पर 45 में गुणा करना है, मान लीजिए 23 का, ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 3 का इन दोनों के साथ, फिर 2 का इन दोनों के साथ, ठीक है। चलिए करते हैं, 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए, तो 3 5 15, तो 15 हम कैसे लिखते हैं ऐसे, तो 15 का जो 5 है वो आ जाएगा यहां पर, और जो 1 है, 1 है वो आ जाएगा हमारा हासिल, ठीक है। अब 3 का हमारा 5 में हो चुका, अब 3 का 4 में करेंगे, तो 3 चौके कितने होते हैं 12, और 1 हासिल वाला कितना हो जाएगा 13, ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे 13, ठीक है। तो 3 का इन दोनों के साथ हो गया, ठीक है, एक अंक का क्लियर हो गया, एक अंक के नीचे क्रॉस लगा दो, ठीक है, ये क्रॉस लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसके बाद में हम 2 का गुणा इन दोनों में करेंगे, 2 का 5 में करिए, 2 पंजे 10, तो 10 इस प्रकार से हम लिखते हैं, तो 10 की आ जाएगी 0, ठीक है, और 1 आ जाएगा हमारा हासिल, ठीक है। अब 2 का हमें 4 में करना है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीया 6, 2 चौके 8, और 1 हासिल वाला कितना हो जाएगा 9, तो यहां पर आ जाएंगे हमारे 9, ठीक है। चलिए अब इनको जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 5, ठीक है, इसके बाद में ये हो जाएगा हमारा 3, 9 और 1 हो जाएगा हमारा कितना 10, तो यहां पर 1035 जो है ये हमारा आंसर आ गया। तो आशा है ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब हम ऐसा सवाल करेंगे जहां पर एक तरफ 3 अंक है और एक तरफ 2 अंक है, ठीक है। तो चलिए अब इन संख्याओं को हम यहां पर लिख लेते हैं, संख्याएं क्या है, यहां पर है 5, 6, 2 मल्टीप्लाई 12 यानी कि 12। अब हमें 12 से इन संख्या में गुणा करना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले एक लाइन खींच लो ऐसे, ठीक है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले इस 2 का गुणा हमें करना है इन तीनों के साथ, ठीक है। 2 का हो जाएगा तो फिर 1 का हम इन तीनों के साथ में कर देंगे और आंसर आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, तो देखिए 2 का पहाड़ा पहले पढ़ना है 2 बार, तो चलिए पढ़ते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कितना आ गया 4, तो यहां पर लिख दो 4, ठीक है। अब 2 का हमें पढ़ना है 6 बार, तो चलिए पढ़ते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, तो 12 हम कैसे लिखते हैं ऐसे, तो 12 का जो 2 है वो आ जाएगा यहां पर, और जो 1 है वो आ जाएगा हासिल, ठीक है। चलिए अब 2 का हमें करना है 5 में, तो 2 पंजे कितने होते हैं 10, और 1 हासिल वाला कितने हो जाएंगे 11, तो यहां पर हम लिख देंगे 11, ठीक है। अब 1 अंक का हमारा कंप्लीट हो चुका, तो हम 1 अंक के नीचे यहां पर क्रॉस लगा देंगे, ठीक है, ये क्रॉस लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब 1 का हम इसके साथ करेंगे, तो देखिए 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 ही आएगा, 1 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे
तो 6 ही आएगा, फिर 1 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 5 ही आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इन्हें जोड़ लेते हैं, तो यहां पर 4 है तो ये आ जाएगा 4, 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, 6 और 1 कितने हो जाएंगे 7, और ये हमारा कितना हो जाएगा 5 और 1 कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा हमारा 6, ठीक है। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, 4 का 4, 2 और 2 4, 6 और 1 7, 5 और 1 6, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। एक सवाल और समझाता हूं जिससे आपका जो है सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, और वो सवाल थोड़ा सा और बड़ा होगा, ठीक है। जैसे हमें गुणा करना है, मान लीजिए 241 में हमें गुणा करना है 344 से, ठीक है, 344 से हमें इसमें गुणा करना है। अब इस तरफ भी 3 अंक हैं और इस तरफ भी 3 अंक हैं, अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले 4 का गुणा इन तीनों के साथ, फिर 4 का गुणा इन तीनों के साथ, फिर 3 का गुणा इन तीनों के साथ, ठीक है। चलिए तो चलिए 4 का 1 में करते हैं, तो 4 एकम 4, ठीक है, फिर 4 का 4 में करेंगे, 4 चौके 16, तो 16 हम ऐसे लिखते हैं, तो 16 की आ जाएगी 6 और 1 आ जाएगा हमारा क्या, हासिल, ठीक है, 1 हासिल आ जाएगा, ठीक है। फिर हमें पढ़ना है 4 का 2 में, 4 दूनी 8 और 1 9, कितना आ गया 9, तो ये आ गया 9। अब देखिए 1 अंक का हो गया तो यहां पर एक क्रॉस लगा दो, ठीक है, क्रॉस लगा दिया। अब इसके बाद में इस वाले 4 का करेंगे तब भी क्या आएगा, यही आएगा 4 6 9, ठीक है, यहां पर 4 था तो कितना आया 9 6 4, तो दूसरी बार 4 से करेंगे तो भी 9 6 4 ही आएगा, ठीक है। अब इस वाले 4 का भी हो गया, तो अब हमें क्या करना है, एक क्रॉस यहां पर लगाना है, ठीक है, और एक क्रॉस यहां पर भी लगाना है, क्योंकि अब 2 अंकों का हुआ है तो अब हमें 2 क्रॉस लगाना पड़ेंगे, ठीक है। अब 3 का करेंगे तो 3 एकम 3 आ जाएगा, 3 चौके 12, तो 12 हम ऐसे लिखते हैं, तो 12 का 2 आ जाएगा यहां पर और 1 आ जाएगा हासिल, ठीक है। फिर इसके बाद में 3 दुनी 6 और 1 7, तो यहां पर आ गया 723। अब इनको जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 4, 6 और 4 हो जाएंगे हमारे 10, तो 10 की आ जाएगी 0, हासिल आ जाएगी 1, ठीक है। तो यहां पर देखिए 3 और 1 हासिल वाला 4, 4 और 6 10, 10 और 9 19, तो 19 की 9 हासिल फिर से 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 की 2 हासिल 1, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने हर तरह का सवाल आपको यहां पर गुणा का बता दिया है, आशा है आपको गुणा बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब सीखते हैं हम भाग, कि भाग कैसे किया जाता है। भाग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट गलतियां करते हैं, तो इसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और सारे डाउट क्लियर करके जाइएगा, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले भाग का कुछ बेसिक मैं आपको बता देता हूं। भाग जो होता है वो क्या होता है, देखिए हमें इस रूप में दिया जाता है, जैसे कि 8/2, इसका मतलब क्या है कि हमें 8 में 2 से भाग देना है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 8/2, इसका मतलब भी यही है कि 2 से हमें 8 में भाग लगाना है। इसके बाद में हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2/8, तो यहां पर इसका मतलब यह है कि 2 से हमें 8 में भाग लगाना है, ठीक है। तो इस 3 तरीकों से आपको भाग दिया जा सकता है, ठीक है। तो इन तीनों तरीकों को आपको याद रखना है, ठीक है, यहां पर आपको भाग ही करना है, ठीक। चलिए इसके बाद में हमें पहला ही सवाल दिया गया है कि भैया 8 में हमें 2 से भाग देना है। ये बहुत ही सिंपल है, सबको आता होगा, लेकिन हम बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं ताकि हर स्टूडेंट को समझ में आए। चलिए यहां पर हम क्या करेंगे, 8 में भाग लगाएंगे 2 से, ठीक है। तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 8 आ जाए, तो चलिए पढ़ते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीय 6, 2 चौके 8। 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर 8 आता है, तो हमने यहां पर लिखा 4 और यहां पर लिखेंगे 8, और इसके बाद में क्या करेंगे, हमें ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देना है। 8 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो जो 4 आया है यही हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक मेथड है भाग करने की। अब हम चलते हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भाग की तरफ, मतलब इससे थोड़ा सा हाई लेवल का होगा। तो यहां पर देखिए, अब हमें 32 में भाग देना है 2 से, ठीक है, 2 से 32 में भाग लगाना है। तो सबसे पहले देखिए, क्या 2 से इस 3 में भाग जाएगा, 2 से 3 बड़ा है, मतलब भाग एक बार तो जरूर जाएगा, ठीक है। तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो 3 आए या 3 से कम आए, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 4 तो ज्यादा हो जाएगा, कितनी बार पढ़ेंगे, 2 एकम 2, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ने पर 2 आता है। अब क्या करना है, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाना है, तो 3 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इतना हो गया, अब हमें इस वाली संख्या को यहां पर उतार लेना है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, 2 है, तो 2 को हमने उतार लिया। अब यहां पर कितना हो गया, 12 हो गया।
अब दो का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो 12 आ जाए या 12 से कम आए, लेकिन 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12। दो का पहाड़ा 6 बार पढ़ने पर कितना आता है? 12। तो अब यहां पर देखिए, 12 में से 12 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। और जो 16 आया है यही हमारा क्या है? आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना सिंपल था। चलिए, अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो अब हम इससे थोड़ा और बड़ा सवाल करेंगे जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर 4, 5, 9, 3, 2 इसमें हमें भाग देना है 3 से। ठीक है, चलिए, तो 3 का भाग 4 में देंगे सबसे पहले, फिर 4 के बाद 5 में देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम भाग देते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 3 का भाग 4 में लगाएंगे। तो 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो 4 आए या 4 से कम आए, 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 6 तो ज्यादा हो जाएगा, कितनी बार पढ़ेंगे? 1 बार। तो 3 एकम 3, तो यहां पर हम लिखेंगे 3। अब हमें क्या करना है? ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाना है, तो 4 में से 3 जाएंगे, 1 बचेगा। ठीक है, अब इसका बगल वाला नंबर क्या है? 5, 5 को उतार लो यहां पर, तो ये हो गया 15। ठीक है, अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो 15 आ जाए या 15 से कम आए, लेकिन 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 3 5 15। 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर कितना आता है? 15 आता है। तो ये हमने लिख दिया 15। ठीक है, क्लियर। चलिए अब क्या करेंगे? ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे, तो यहां पर देखिए कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, अब इसका अगला नंबर क्या है? 9 है। अब 9 को यहां पर उतार लो, तो ये हमने 9 को उतार लिया। ठीक है, अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 9 आ जाए? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, तो 3 बार में 9 आ जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे 9। ठीक है, अब 9 में से 9 को घटाएंगे, क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। अब इसका अगला नंबर उतार लो, क्या है? 3, तो 3 को हमने उतार लिया यहां पर। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 3 आ जाए? एक ही बार में आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 3 एकम 3। तो अब इसको हम घटाएंगे तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। फिर इसके बाद में हम यहां पर उतारेंगे 2 को। ठीक है, तो ये हमने उतार लिया 2। ठीक, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, यहीं पर सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। अब हमने ये 2 उतार लिया है, अब बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि ये शेषफल है, ये शेषफल नहीं है। ठीक है, ये क्या है? अभी तो ये संख्या ही बाकी है ना, तो अभी ये शेषफल नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहां पर जो संख्या है इसमें भाग नहीं जा रहा है, तो ना जाने की क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। ठीक है, 0 लगाने के बाद में यहां पर कोई संख्या होती तो हम उसको उतारते, अब संख्या नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहां पर लगाएंगे दशमलव, और दशमलव लगा के यहां पर बढ़ा देंगे 0। ठीक है, अब हम 3 से भाग लगाएंगे, 20 में कितनी बार जाएगा? 18, 3 7, 21, तो 21 ज्यादा हो जाएगा, 3 6 18, तो यहां पर आ जाएगा 3 6 18, तो यहां पर आ जाएगा 18। अब हम घटाएंगे तो फिर से क्या बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है, फिर से दशमलव से हम 0 बढ़ा लेंगे तो फिर 20 हो जाएगा, फिर से 3 6 18, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के सवालों को ऐसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि दशमलव कब लगाते हैं, 0 कब लगाते हैं, ये चीजें भी आपको यहां पर समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आशा है आप इस तरह के भाग में अब गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमने यहां पर 2-3 भाग कर लिए हैं, अब चौथा वाला जो भाग है ये भी हम करते हैं। क्या है देखिए, 18, 19 और 20, इसमें हमें भाग लगाना है 5 से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 18 आ जाए या 18 से कम आए, लेकिन 18 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 4 20, तो 20 तो ज्यादा हो जाएगा 18 से, तो 5 3 15, 3 बार में। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 15। अब इसको घटाइए तो 18 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, 1 है, इस 1 को हम उतार लेंगे। ठीक है, 18 यहां तक तो हो गया था ना, इसके बाद में 1 को हमने उतारा। अब 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो 31 आए या 31 से कम आए, 31 से ज्यादा ना आए। तो चलिए पढ़ते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30। ठीक है, तो 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने पर कितना आता है? 30, तो ये हमने लिख दिया 30। अब घटाएंगे तो कितना बचेगा? देखिए 1 बचेगा। अब इसके बाद में अगला नंबर क्या है? 9 है, तो ये हमने उतार लिया 9। अब 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो 19 आए
या 19 से कम आए लेकिन 19 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं, 5 एकम 5, 5 दुनी 10, 5 तीय 15, 5 चौके 20। तो 20 तो ज्यादा हो गया, एक ज्यादा हो गया, तो हम कितनी बार पढ़ेंगे, 3 बार, 5 तीया 15, तो ये हो गया 15। अब घटाएंगे तो क्या बचेगा, 9 में से 5 जाएंगे तो 4 बचेंगे और यहां पर कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। इसके बाद में ये जो 2 है इसको उतारेंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारा 2, ठीक है। अब आ गया यहां पर 42, तो 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो 42 आए या 42 से कम आए लेकिन 42 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं, 5 एकम 5, 5 दुनी 10, 5 तीय 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 5 छक्के 30, 5 सत्तर 35, 5 अट्ठे 40, 5 नाम 45। 45 ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ये 42 है, तो यहां पर कितनी बार पढ़ेंगे, 5 अट्ठे 40, 8 बार, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा हमारा 40, घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहां पर घटाएंगे तो हमारा यहां पर बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। फिर इसके बाद में यहां पर क्या है, 0, तो 0 को उतार लेंगे यहां पर, यह आ जाएगा 0। अब 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 20 आ जाए, तो 5 एकम 5, 5 दुनी 10, 5 तीय 15, 5 चौके 20, 4 बार हमने पढ़ा तो कितना आ गया, 20 आ गया। तो यहां पर देखिए हमने 20 आ गया और इसको काट दिया और ये जो है हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो आशा है भाग और गुणा आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको दोबारा इस तरह की वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने आपको हर तरीके से बहुत ही अच्छी डिटेल में समझा दिया है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।